ये है अटल टनल, देखने में स्वैग है। और राजस्थान का जायका चाहिए तो श्री सालासर ढाबा जायका राजस्थान का है। ये ओसे की बारिश से समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। बच गया। मनाली यहाँ से 95 किलोमीटर है। बहुत ही बढ़िया, पानी पीने के लिए रुके हैं क्योंकि जब से चले ना एक बार एक बूंद नहीं है पानी का गले में। कितना मस्त गाँव, देखो सिंचाई भी, झरना फुहारे वाली। ये हमारा अटल टनल स्टार्ट होने वाली है। हर काम देश के नाम, क्या बात है। ये इतना बड़े बड़े क्यों लगा रखे हैं यार, ये पत्थर वत्थर आ जाए इसलिए। और ये पूरी टनल इस पहाड़ को फोड़ते हुए सीधे निकाल दी अंदर से। पूरी टनल के लिए मेरे पास 20% बैटरी बची, बस इसी के लिए मैंने बचा रखी थी। और ये पहाड़ ख़त्म और वो पहाड़ अंदर ही अंदर गायब। मजा आ जाएंगे, अटल टनल देखने के अलग ही स्वाद है। ये है अटल टनल, देखने में स्वैग है। मजा आ गया, अटल टनल रोहतांग। बस बैटरी खत्म नहीं जाए उस दिन की तरह उस बैटरी। हैं नहीं, अटल टनल ये इसको अटल टनल बोलते। क्या जबरदस्त बनाई हुई है यार, दिल खुश हो गया कसम से। 40 किलोमीटर बोला हुआ है पर हमारा ये खराब है तो आते पते भी नहीं है क्या है सीन। ये कितने किलोमीटर है कोई आइडिया नहीं कितने किलोमीटर का है ये। और पूरा पहाड़ फोड़ करके सीधा निकल गया, शायद मुझे हल्का हल्का सा याद आ रहा है, आई थिंक 16 या 9, इन दोनों में से कुछ एक फिगर है। इन दोनों में से एक फिगर है जो कम करता है, मतलब 16 किलोमीटर कम करता है, 9 किलोमीटर कम करता है शायद। मतलब सोचो ये इंसानी करामात है, हम एक पहाड़ के अंदर से जा रहे हैं सीधे, बिल्कुल अंदर से। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है अंदर, गजब। पूरी पता नहीं कितने किलोमीटर की है, कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। इससे बाहर जाते ही पूछूंगा भाई कितने किलोमीटर की टनल है, घक्की आंधी से नहीं एक ही बार में। जल्दी बाहर निकाल दे भाई, अब तो जान जा रही है कसम से। इतनी ठंड तो ऊपर पहाड़ों में भी नहीं थी, अंदर सीलन हो रही है, पानी भरा है, कहीं ना कहीं से लीकेज है। अरे बाप रे, जे हो अटल टनल। बारिश हो रही है, बारिश हो रही, क्या हो रही है, क्या हो रहा है ये, हैं? बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है भाई, ये बारिश कहाँ से हो रही है? ओ, ये बारिश हो रही है, ये ओसे की बारिश से समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। चलने दे यार, ये गीला नहीं हो जाए मुझे। अरे इतनी ठंड भाई, गजब लेवल की ठंड थी, ये कहाँ पहुंच गए। ओहो, ठंड के बारे जान जा रही है भाई साहब। हर बार सोचता हूँ ये ज़्यादा ठंडा है, फिर कुछ नया आ जाता है एक। और बाप रे, ओस पड़ रही है तो देखो यार भाई, यहाँ तो सिस्टम ही अलग हो रहा है। उधर बिल्कुल ही कुछ नहीं था, धूप थी बढ़िया भाई, फिर एकदम से बारिश आ जाएगी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर क्या है, कुछ कर नहीं पाएंगे एंड टाइम पे, क्योंकि ये तो पूरा ऐसा ही सीन है। ये देखो ना पानी आ रहा है, देखिए ये बारिश आ गई ना, ये तेज हो गई। वो क्या अपन ने पीने में से पता नहीं चल रहा, और बारिश आएगी अब यहाँ। मेरा कैमरे को भी मेरे को प्रोटेक्ट करना भैया, वो भले ही वाटरप्रूफ है पर यहाँ पूरे रास्ते में बारिश नहीं मिली और यहाँ मिली है, बताओ। ये पूरा जैकेट गीला हो गया यार, मैं तभी कह रहा था रोक के कर लेते तब कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ये पेट्रोल पंप पे ले रहा हूँ मैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है।
उतर। अरे ये तो पानी पटक रहा ऊपर से यार ज्यादा। वो थैली ला सुबह वो दे जल्दी दे, इसे पानी आ रहा है। खींच खींच खींच, इसको आगे से तो ढकू, पानी तो आगे से आएगा यूं। Dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact, cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always be the Dhaba. खाना खाने के लिए रुके, देखते कैसा खाना देता है। ओ भाई ये क्या हो गया, ऐसे काला काला क्या हो गया इसमें? अरे यार मुझे इसी चीज का डर। बच गया, एक नंबर खाना सालों से ढाबा, बढ़िया पनीर गट्टी की सब्जी और रोटी और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन माँ मम्मी है, मज़ा आ गया। काफ़ी दिन मुझे तो अच्छा खाना मिल गया, राजस्थानी खाना मिला। नाम सी सालसर ढाबा, जायका राजस्थान का, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बस भाई भी अपना झुंझुनू का है, कभी मनाली में आओ। ये मनाली कुल्लू है डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मनाली में श्री सालासर ढाबा जरूर आना, मजा आ जाएगा, दिखाता हूँ कैसा। तो ये है भैया सालासर ढाबा। कोई भी भाई अपना कभी मनाली आया घूमने और राजस्थान का जायका चाहिए तो श्री सालासर ढाबा जायका राजस्थान का है। भैया का नाम क्या है पूछ के आऊँ, लेके आ जाता हूँ, रहने दूँ? चलो कोई नहीं, पर मज़ा आ गया खा के। उन्होंने हमें गट्टा सजेस्ट किया था पर हमने पनीर मंगाई, मज़ा आ गया। और चूरमा जरूर खाना है ना, चूरमा ही ना, स्वैग उड़ जाएगा। अब बस अब पेलेंगे इस गाड़ी को बढ़िया। बोल बालाजी महाराज की जय, जो हो सालासर बालाजी महाराज की जय। चप्पलों में सही गाड़ी चली गई आज, मोबाइल उन भैया ने जो चीज़ दी है ना वो कोई नहीं दे सकता। और उसका नाम है तानसेन, मतलब वो तानसेन लवर हूँ मैं, जो तानसेन गाता वो समझ सकता है मेरे को क्या मिला है। वो भी 15 दिन बाद, एक बार पहले हमसफ़र मिला था और अब तानसेन मिली है। दिल्ली चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़, नेक्स्ट स्टॉप चंडीगढ़। कम से कम 290 और फुल पावर पैक है भैया की लस्सी से, बस अब चलना ही है। कम से कम 150 किलोमीटर बाद स्टॉप लिया जाएगा, पानी पेशाब का बीच का छोड़ के। मैं चाहता था मोबाइल लगा सकता था इस पे, पर अभी लगाएंगे नहीं। खाना एकदम लाजवाब, मज़ा आ गया, स्वैग हो गया, एनर्जी फुल हो गई, 100 out of 100 हो गई। भूखे पेट में कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा अपना टाइम हो चुका है 1:30, 1:40 मान लेते हैं। मेरी गाड़ी में चेन की आवाज़ अजीब सी आ रही, कट 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 कट, तेज चलने पे नहीं आ रही, फर्स्ट और सेकंड गियर में आ रही है बार बार। अब तक मिस्टेक हो गई, ये गाड़ी वाला रहा, बुलेट भी खड़ी है, गाड़ी चेक करवा लेते, पता नहीं अजीब सी आवाज कर रही है। भैया ये आवाज कर रही कट 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 कट, चेन में से कुछ आवाज आ रही है यार, चला रहे ना तो ऐसी आवाज आ रही, कट 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 कट, कुछ उलझ गया या ढीली होगी, क्या हुआ ये? हाँ भैया क्या हो गया? स्पोकट खराब है, ये क्या होता है यार, क्या चीज हुई? देखो दिखाना,
हाँ, अब केस होगा ये चंडीगढ़ कोई उतर जाएगा कोई टूटा टाटी नहीं। हाँ, लद्दाख पूरा घूम गया यार भैया, यही भैया थोड़ा धक्का लगवाना, बस यही चल रही चंडीगढ़ टू चंडीगढ़। हाँ, बहुत ज़्यादा ढीली होगी क्या, है ना, फिर थोड़ा टाइट नहीं हो सकती क्या, कर दो फिर, और तो क्या है, ये तो चलती में उतर जाए इसलिए। ये थोड़ी सी ऑयल भी हो गया, बढ़िया गाड़ी सही करवा ली, पेट्रोल भरवा लिया। कुल्लू मणिकरण बिलासपुर, ये इस रोड की बोल रहा है शायद, वहाँ के लोग यही रोड है वो जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक है ये भी नहीं पता। इतने बढ़िया मनाली के रोड कर दिए हुए हैं छोटे छोटे, दिख रहा है आँखें हैं मेरी, बटन नहीं है, मेरे भाई को लगता है उसी की आँखें हैं, मेरे पास है नहीं। बढ़िया चल रहा है काम, पहाड़ों को और काट रहे हैं ताकि वो ये घर उड़ा दिए कंस्ट्रक्शन के बीच में आ गए होंगे तो। अटा अटा फ्री सरकार बोलते है, अब गर्मी लग रही है, ये है सच्चाई, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे गर्मी लगना चाहिए, अगर ऊपर जान निकल रही थी ठंड के मारे। ये चल रहा कंस्ट्रक्शन मनाली में, आने वाले समय में मस्त चौड़े चौड़े रोड हो जाएंगे, यहाँ पूरा रोड तोड़ दिए, पहाड़ फोड़ के रख दिया एक साइड से, एक नीचे से लगा पड़ा है एक ऊपर से लगा पड़ा है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं प्रकृति के साथ सालों, फिर मारेगी ना तुम्हारे दबा के, तुम्हें बाहर पहाड़ से फिरोगे, अटरे अटरे जानने दे। ये बारिश की वजह से पूरी मिट्टी नॉर्मल हो गई काली, मतलब चिपक गई नीचे, नहीं तो ये ऐसी पूरी मिट्टी उड़ती। फिसलन बहरा सड़ा रास्ता देखो जी, रपा रप हो गया, बन गया पैर बढ़िया सरासट शानदार एकदम लाजवाब तरीके से, मामा मिया हो गया काम है, हाँ बढ़िया हो गया एकदम, गुलाब जामुन हो गए पैर। ये टनल तब से बन रही है जब मैं अंकल होना वगैरह आए थे हम तब से, और अभी तक भी नहीं बनी पता, ढाई तीन साल तो हो गए आराम से उस बात को। निकल निकल बाकी है, फिर टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, चल हट। मेरे को ऐसे रोड पे चलाना ज़्यादा मज़ा आता गाड़ी को, उधर आड़े टेढ़े ट्रैफिक में सीधे सीधे रोड पर तो क्या ही चलाना है, बस बैठे रहो गधे की तरह रेस खींची। ये देखो ऊंची लगाम पक रही है, हाँ हाँ शाबाश शाबाश पुत्र, ओ चक दिया तेरे पाउडर दुनिया भर का मेरे पे। रात को 7 बजे तक हमने ड्राइव की और बिलासपुर आके रुक गए हैं, कल इतना गंदा रोड था, 275-280 किलोमीटर चलाइए करीबन जिंजिन बार टू बिलासपुर, किलोमीटर कम है पर रोड बहुत गंदे थे, ऑफ रोडिंग तो पूरा फुल, बारिश हो रही थी सब कुछ हुआ कल, और अभी बिलासपुर में कोई होटल है वहाँ के हम रुक गए, अब बस खाना वाना खा के हम सोएंगे। कल ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी एक बैटरी डेड हो गई, पता नहीं कैसे, 2 बैटरी से जितना हो पाया उतना ही कर पाया हूँ मैं, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, बस हो सके बोल।